तिलमिला गई है, बौखला गई है। उसे समझ में आ गया है कि ये भारत है, ये पाकिस्तान नहीं है जिस पर वो शासन कर रही है। ये भारत है और भारत की रक्षा करने के लिए भारत के लोग तैयार हो चुके हैं, हिंदू तैयार हो चुका है, और वो मुंह तोड़ जवाब उसको देगा। बंगाल में भाजपा का शासन आएगा, हिंदुओं का शासन आएगा, और बंगाल अखंड भारत का हमारा हिस्सा है, बंगाल हमारे भारत का हिस्सा है, प्रदेश है। ये उसको अलग करने का प्रयास कर रही थी, और ये हमारे देशभक्त कभी होने नहीं देंगे। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से लगी है, हमला हुआ है, वो पीड़ित नहीं है, क्योंकि ऐसे हमले विधर्मी और तमाम दलगत राजनीति के लोग, वो लोग जो देश विरोधी गतिविधियां करते हैं, भाजपा के लोगों पर हमला करते, अपनी कुंठा निकालते हैं, और वो निकाल रहे हैं, लेकिन भाजपा डरने वाली नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय महामंत्री पर हमला हुआ है, लेकिन उन लोगों ने कहा कुछ भी हो जाए हम डटकर मुकाबला करेंगे। ऐसी महिला जो विदेशी परंपरा का पालन कर रही है, यहाँ उसको टिकने नहीं देंगे, और यहाँ हिंदू राष्ट्र की स्थापना होगी, भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, ये निश्चित है, और बंगाल हमारा हिंदुओं का राज्य होगा, क्योंकि बंगाल में जितने घुसपैठी हैं, जितने भी बाहर से आए हुए मुसलमान हैं, इसने उनको राशन कार्ड दिया है, उनको आधार कार्ड दिया, उनको वोटर बनाया है, और उसी उन्हीं के कारण ये आज तक शासन करती आई है, लेकिन अब इसका शासन समाप्त होने वाला है, इसलिए वो तिलमिलाई हुई है। यदि किसान देखिए, निश्चित रूप से देश विरोधी लोग शामिल हैं, क्योंकि जब शाहीन बाग हुआ, वही JNU के स्टूडेंट कहे जाने वाले लोग वो वहां सम्मिलित थे, कुछ फिल्मी वामपंथी वो भी वहां सम्मिलित थे, और आज देख लीजिए उन्हीं के चेहरे फिर से आ गए। ये किसान नहीं है, ये किसानों के वेश में वामपंथी छुपे हुए हैं, कांग्रेसी छुपे हुए हैं, जो देश विरोधी ताकतें, जो देश विरोधी लोगों को इकट्ठा करके और किसानों को भ्रमित कर रहे हैं, देश को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं, इनके आंदोलन नहीं है, ये तो राष्ट्रघात के लिए तैयार हैं, और ऐसे लोगों को जल्दी से जल्दी सजा मिलनी चाहिए, ऐसे लोगों को जेलों में डालना चाहिए, क्योंकि ये लोग हमेशा देश के विरुद्ध खड़े हो जाते हैं। किसानों का भला करने के लिए जहां आज लोगों को एक होकर के स्वर, एक स्वर देना चाहिए, वो नहीं कर रहे हैं। आप देखिए कि पंजाब में कांग्रेस का शासन है, पंजाब ने ये नियम लागू नहीं किया, और पंजाब के किसान आंदोलन कर रहे हैं। यदि पंजाब लागू करता तो किसान आंदोलन करते समझ में आता है, बाकी प्रदेश क्यों आंदोलन में भाग नहीं ले रहे, सिर्फ वामपंथी और कांग्रेसी ये लोग भाग ले रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये किसान नहीं है, ये लोगों के, ये अन्य प्रकार के लोग किसानों के वेश में आकर के और किसानों के अंदर भ्रम फैला रहे हैं। जो किसानों के लिए बिल लाया गया है, वो बिल 100% शत प्रतिशत किसानों के हित में है, और इसमें किसी प्रकार से सुधार की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सुधार करके ही ये बिल लाया गया है, और ये दबाव इनका गलत है।